शबनम सलीम वाले मामले में सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो है वो उसका बेटा ताज है, जो घटना के समय, घटना क्या हुई मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो उस समय 2 माह के गर्भ में था, आज वो 12 साल का हो चुका है। और विषय ये अवश्य है कि नकारात्मक सोच एक बीमारी है और हम नहीं चाहते ताज के दिल दिमाग और उसके भविष्य पर नकारात्मक सोच की बीमारी फैले, क्योंकि ये नकारात्मक सोच वायरस है और अपने पास पड़ोस में फैलता है। ये निश्चित रूप से मानिए कि फांसी की सजा के विरोध में एक दिन परिवर्तन की हवा बहेगी और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को केवल सकारात्मक ही नहीं बल्कि पूरी तरह से सजग और सकारात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शबनम में के जीवन में या शबनम में कोई एक ममता नहीं छिपी होगी, उसमें भी एक ममता होगी और वो अपने पुत्र ताज के लिए होगी, क्योंकि परिवार मानव समाज की सबसे छोटी परंतु महत्वपूर्ण इकाई है और बच्चे के संरक्षण देना माता पिता का कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। और माता पिता ठीक ब्रह्मा और विष्णु की तरह होते हैं जो हिंदू मैथोलॉजी के, और उसमें विषय ये पैदा होता है कि शबनम सलीम का बेटा ताज, उसका दोष क्या है? फांसी की सजा दी गई लेकिन उस ताज का क्या दोष है इस केस में? और सबसे अधिक प्रभावित फांसी की सजा से कौन हुआ? उसका बेटा ताज हुआ। तो उस ताज के जीवन को हम कैसे संवार सकते हैं, हम ताज के जीवन में कैसे खुशियां लाने का प्रयास कर सकते हैं? देखिए, दुख देने के लिए, दर्द देने के लिए आज देश में इतनी बीमारियां हैं, अकाल मौतें हैं, दुर्घटनाएं हैं, अच्छा इलाज नहीं हो पाता, सड़कों पे दुर्घटनाएं होती हैं, रेल दुर्घटनाएं होती हैं, साउथ में देखें तो इतने बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, हिल स्टेशन को देखें, बस की बस गाड़ियां की गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं, एक्सप्रेस वे हाईवे को देखें, बड़े बड़े रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, रेलवे क्रॉसिंग नहीं है बहुत सी जगह, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मौत के बहुत साधन है, लेकिन क्या हम शबनम सलीम को बचा के एक बच्चे के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उसके जीवन में बदलाव ला सकते हैं? विषय उसका दोष नहीं कोई बता सकता। कोई देश का संविधान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहां जहां उसकी याचिका लगी हुई है, उसके द्वारा लगवाई गई याचिका, तो उसमें उसका दोष कोई नहीं, दोष शबनम का है, सलीम का है, वो सिद्ध हुआ है, वो ट्रायल हुआ है, उसमें सजा हुई है, उसके दोष कहां है? फिर एक निर्दोष को पूरे जीवन हम मरने के लिए कैसे छोड़ दें? पूरे जीवन भर वो नकारात्मकता की जिंदगी जीता रहेगा, क्यों नहीं हम पॉजिटिविटी उसमें सकारात्मकता दे सकते हैं? क्या सकारात्मकता जीवन नहीं है? क्या नकारात्मकता अंधेरा नहीं है, मौत नहीं है? तो जब हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ सकते हैं, और आज जब सकारात्मकता की चर्चा पूरे देश और दुनिया में होने लगी है, तो हम निश्चित तौर पर ताज के लिए भी, शबनम सलीम के एकमात्र पुत्र के लिए भी कुछ सकारात्मक सोच के उनके जीवन को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट करिए, टिल डेथ करिए, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिंदा बना रहे, उसके आने वाले लोग भी उसके अपने माँ बाप से मिलते रहें, उसके जीवन में खुशियों की कुछ लहर बनती रहे, कभी कभी लहर भी खुशियों की आ जाएगी तो शायद वो जीवन में परिवर्तन लाएगी और बदलाव लाएगी और सकारात्मकता सोच की तरफ आगे बढ़ाएगी। यह आवश्यक है, इसलिए आप लोगों से भी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि इसके लिए कुछ कार्य करिए, उस बच्चे के लिए कुछ कार्य करिए, उस बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए कार्य करके, उसके जीवन को बचाने के लिए काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और जब लोगों की आवाज आती है, लोग कहेंगे, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में लोक का तंत्र है, लोगों की आवाज है, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा चुना हुआ है, उसमें भी अवश्य भाव आना चाहिए।